हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, जो कि हमेशा मैं ऐड करूँगा गेम्स के, एमपी के, और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब से मैं इस वीडियो में डेली ऐड करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशन किसे बनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशन बनाया गया है रामपाल पवार को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशन बनाया गया है। राजस्थान के नए सीएम किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अशोक गहलोत को राजस्थान के नए सीएम नियुक्त किया गया है। टीसी बारूपल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये गिनी गणराज्य जैसे जो अगले राजदूत के रूप में से नियुक्त किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहां देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये बड़ौदरा में किया है। दोस्तों इतना याद रखिएगा, जो भी देश का पहला, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, खेल, कुछ भी हो, तो देश का पहला जो भी होता है तो आप याद रखिएगा ये कहां किया गया है, बड़ौदरा। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं भूपेश बघेल, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कौन चुनी गई हैं। तो हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 श्री सैनी चुनी गई हैं। 2017-18 का रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है विदर्भ ने, और दिल्ली को हराकर जीता है, और इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है विदर्भ में। दोहरे टेस्ट शतक लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये बन गया है विराट कोहली, जो कि दोहरे शतक टेस्ट लगाने वाला छठवां, याद रखिएगा, छठवां दोहरा टेस्ट शतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है विराट कोहली। T20 में 800 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये बन गया है क्रिस गेल, और ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, याद रखिएगा। क्रिकेट ब्लाइंड कप विश्व कप किस देश ने जीता है। तो क्रिकेट ब्लाइंड विश्व कप ये जीता है भारत ने जीता है। अंडर 19 विश्व कप 2018 किसने जीता है। तो ये भी हमारे भारत ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 19 विश्व कप 2018 कौन जीता है, भारत। विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किस राज्य ने जीता है। तो ये जीता है कर्नाटक ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2018 ये किन्होंने जीता है। ये जीता है केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। पहला स्नूकर टीम विश्व कप खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में पहला स्नूकर टीम विश्व खिताब ये भी जीता है किसने, भारत ने। भारतमाला योजना में प्रदेश में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वीकृत किया है। तो ये 5987 किलोमीटर, जो कि भारत माला योजना के अंतर्गत इस राजमार्ग का स्वीकृति दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में ग्लोबल मॉडल ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये इंदौर शहर को चुना गया है। मध्य प्रदेश के किस महिला खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप 2018 में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, याद रखिएगा, ये जीता है सीमा वर्मा ने जीता है। मध्य प्रदेश का वह शहर जो लगातार दो वर्षों से सफाई में देश में नंबर वन एक ही स्थान पर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी घुमा लिया जाता है, तो इसके चक्कर में आप कोई ऑप्शन न दबा दें, लेकिन इसका आंसर है कोई नहीं। क्वेश्चन को कभी ऐसे एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज़ कन्फ्यूज ना हो, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है, ये बता सकते हैं क्या। जो भी हाल ही में संबल योजना चलाई गई है, इम्पोर्टेंट है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मुफ्त या सब्सिडी वालों की जो बिजली है उसको कम करना, इसका उद्देश्य है। सीतानगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, क्या आप बता सकते हैं आंसर। ये जिले हैं दमोह जिले से संबंध है इसका, सीतानगर सिंचाई परियोजना का। मध्य प्रदेश के किस नगर में हाल ही में कृष्णा राज कपूर
ऑडिटोरियम खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा रीवा में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइए, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का, लेकिन है 2018 का ये, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।